फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, सब अपने आप को फिट बहुत रखते हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी है आपके लिए आपकी सेफ्टी। और वर्कआउट करते वक्त अपनी फिजिकली फिट रहने के लिए जब आप बाहर जाते हैं तो उस वक्त आपको सेफ्टी को भी कम से कम 10 मिनट तो देने ही चाहिए। और आज मैं इसीलिए मिस्टर विवेक यादव से मिली, जो कि टाइगर टाइकोंडो एकेडमी के फाउंडर हैं और इसी के साथ साथ ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं। तो सर, हेलो एंड वेलकम टू द शो। आप मुझे ये बताइए कि हम दिल्ली शहर में हैं आज की डेट में और आपकी टाइकोंडो एकेडमी है, तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मैं स्टार्टिंग से जानना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से लाइक मैं स्कूल स्टूडेंट था, 4th-5th क्लास सेम यही हमने स्कूल से स्टार्ट किया था। फिर 2005 के बाद फिर मैंने ड्रॉप किया, मैं एज अ कोच लाइन में आया। मैंने अपनी सारी, मैंने डिग्री होल्डर मैंने अपनी सारी कंप्लीट करी इसमें, लाइक ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट, एंड फिर उसके बाद फिर हमारा इसमें मैं कोचिंग में उतरा था। अच्छा अच्छा। मैं आज मैं नेशनल कोच हूँ मैं, और मैं टीचर भी हूँ, फिजिकल टीचर। अच्छा, तो सर आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे प्रोफेशनली मुझे 8 ईयर्स हो गए इसमें। 8 ईयर्स से सर इस इंडस्ट्री में हैं। अभी हम आए थे तो बच्चों का चल रहा था क्लास, इसी तरीके से क्या फीमेल्स की भी क्लास अलग से लेते हैं? अलग से। अच्छा, ओके। और इसी के साथ साथ सर ने हमें काफ़ी अच्छे सेल्फ डिफेंस मूव्स भी सिखाए, विच आर वेरी ग्रेट, एंड आई एम श्योर हम लोगों को और ज़्यादा सीखना चाहिए। लड़कियों और औरतों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन सेफ्टी? मैं बोलूँ तो बहुत ही, अगर इस टाइम पे अगर आप देखो, और वो भी दिल्ली जैसी स्टेट में, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत बार ऐसा भी बस होता होगा, इतना भी नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसमें आप इसको पूरा एक आर्ट की तरह सीखो, बस आप इतना सीखो कि आप अपना डिफेंस अपना आपके पास हो, इतना सही बात है। लाइक पंच और आपके ग्रैब्स, अगर आप किसी ने हिट करा है तो इतना तो आप कर सकते हैं। डिफेंस और किस किस तरीके की स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है औरतों को? लाइक आपको ये पूरी एक तो ऑल ओवर आपकी बॉडी की फिटनेस देगा आपको पूरा, और आपके पंच एंड लेग्स पूरे स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रेंथ आएगी, ऑल डेवलपमेंट होती है ना हमारी पूरी बॉडी की, इसमें वो होगा। अगर जैसे अगर कोई ज़्यादा वेट इसमें डिटेक्ट करना अपना चाहता है तो वो भी है इसमें। और सर दूसरी चीज़ ये कि आजकल के इतने ज़्यादा जो माहौल है, इतने ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़े हुए हैं, तो आजकल के टाइम पर औरतों को सेफ्टी के लिए अगर आप कुछ छोटी चीज़ें जो उनको बहुत मदद कर सकती हैं तो उन्हें क्या रखना चाहिए? आपका पंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जो नेकल्स होते हैं ना ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए फर्स्ट। लाइक अगर आपने किसी को नेकल से अगर टच भी करा है तो उसके हिट हो, जी बिल्कुल, ये आपका नेकल स्ट्रांग होना चाहिए। एक आपका ये पाल्म स्ट्रांग होना चाहिए, हाथों को मतलब पूरा एक अच्छे से पूरी एक उसी की सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज करके आप अपने हाथ को स्ट्रांग करो और आप अपने पैरों को स्ट्रांग करो। कुछ 5 जो प्राइम मूव्स हैं जो लड़कियों को आने ही चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, वो कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट पंच आप ये करते हो, ओके, और ये पंच आपके थंब हमेशा अंदर होना चाहिए। अच्छा, ऐसे आउटसाइड में नहीं, अगर आप इसको बाहर करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको थंब को अंदर करके ये पंच आपने किया, और एक आपका एक ये मूव होना चाहिए, आपका ये अपर होता है हेड, इसके ऊपर आना चाहिए एल्बो, ठीक है? कोई अगर आपके हिट करता है तो ये एल्बो आपकी सपोर्ट करती है, ओके ओके नाउ। और एक आपका होने चाहिए किक्स, सेम ये तो नॉर्मली किक आजकल सब बच्चे भी यूज़ करते हैं, पुश, सिंपल पुश करना है, बिल्कुल आप किक नोज में भी हो जाएगी ये पुश ऊपर, और इसको आप फेस भी हिट कर सकते हैं, ये आपके 2-4 मूव हैं। और एक एल्बो टर्न करके इसको आप देखो इन साइड भी हिट कर सकते हो और इसके बैक साइड भी, सेम एल्बो इन और आउट, सिर्फ का लेग्स मूवमेंट आपका ये, और एक आपका ये चॉप होता है ईयर के बैक साइड में, बस इसको जितना आप फोर से लाओगे ईयर के बैक साइड हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नर्व होती है वो तुरंत हिट करके आपको अनकॉन्शियस करती है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा और बढ़िया मूव है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस पे और भी बातें होती रहेंगी, बट फिलहाल मैं मिस्टर विवेक को थैंक करना चाहती हूँ कि आप पार्ट बने हमारे इस शो का, एंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, 8 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और वुमेन सेफ्टी पे वर्क कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच सर।